बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। यह गाने के बोल यहाँ चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा। आप खुद देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली श्री यमुना महारानी मथुरा के गौघाट ब्रज में क्या दुर्दशा हो रही है। इसी तरीके की और भी कई जगह है, यहाँ यमुना में शिविर का गंदा पानी जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि शिविर का गंदा पानी सीधे श्री यमुना जी में जा रहा है और यहाँ आने जाने वाले हजारों भक्तों की भावना को कितनी ठेस पहुँचती होगी। फिर भी लोगों की भक्ति और मजबूरी देखिए कि स्थिति के होने के बाद भी यही बैठकर पूजा पाठ करने के लिए मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ हमारी यमुना महारानी को श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली यमुना जी अपनी बदहाल स्थिति पर खुद ही आंसू बहा रही हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक गंगा यमुना की साफ सफाई को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं वास्तविक स्थिति आप देख सकते हैं कि वह पैसा आखिर कहां जा रहा है। सुतुर्क मुर्गियां नींद सो रहे विभागों के अधिकारी आखिर कैसे कर रहे हैं उन रुपयों का बंदरबांट। इसी मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा व समाजसेवी ताराचंद गोस्वामी अधिकारियों पर बरसे जमकर सुनाई खरी खोटी। राधे राधे, मैं समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी। यमुना मैया में गंदे नालों की वजह से प्रदूषित दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। चक्कर तीरथ पे नाला, गौ घाट पे नाला गिर रहा है, विश्राम घाट पे नाला गिर रहा है। इसी प्रकार वृंदावन में भी जुगल घाट पर, चीर घाट पर, बिहार घाट पर सभी जगह नाले सीधे यमुना में जा रहे। देशी परदेशी यात्री श्रद्धालु आचमन लेने में कतराते हैं। आज तो कहा जाता है कि हमारी श्री कृष्ण की महारानी पटरानी थी यमुना मैया, वह आज अपने गंदे आंसुओं से रो रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया यमुना प्रदूषण के लिए आता है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से विभाग जो भी मिल करके आपस में बंदरबांट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुखिया से, कि यमुना मैया को भी प्रदूषण मुक्त किया जाए। जय जय श्री राधे, जय यमुना मैया। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज हम यहाँ गौ घाट पर मथुरा में आए हुए हैं यमुना जी के किनारे। यहाँ पर एक बड़ा नाला सीधा यमुना जी में गिर रहा है, जिसमें लेटरिन बाथरूम गंदगी सब यमुना जी में जा रही है। यहाँ पर बैठकर कुछ श्रद्धालु आचमन ले रहे हैं, अब वो आचमन क्या मुँह में छींटा मार रहे हैं। क्यों? कि उनको पता है कि बगल वाले नाले की गंदगी सब यमुना जी में सीधी जा रही है, तो वो लोग आचमन लेने से भी डर रहे हैं। मेरी नेताओं से, अधिकारियों से प्रार्थना है कि यदि आप यहाँ पर आकर एक गिलास यमुना जी का पानी पी लें तो मैं आपको बहुत बड़ा नेता मानूंगा, बहुत बड़ा अधिकारी मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप एक घूंट भी नहीं पी सकते। यमुना जी पर जो गंदगी जिस प्रकार बह रही है, यदि उसको आप देख लेंगे तो आपको भी दुख पहुंचेगा। यमुना जी पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन में, ब्रजवासियों के मन में बहुत ही, उनके मन में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई शासन है ही नहीं, नगर निगम अपना कर्तव्य भूल गया हो। इतने बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे। सभी नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी खूब अरबों रुपए के मालिक हो गए। चलो कोई बात नहीं, आप अरबपति हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो जाग जाओ, यमुना जी के लिए कुछ करो। यमुना जी की दुर्दशा देखो, यमुना जी में जो गंदे नाले आ रहे हैं उनके प्रति कुछ सोचो। अधिकारी खूब पैसा खा गए, यमुना जी की स्थिति नहीं सुधार पाए। अरे भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी यमुना जी, और आप भी कृष्ण भक्त हैं, तो आपको यमुना जी के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करके यमुना जी की स्थिति सुधारनी चाहिए।
यहाँ जो गंदे नाले जा रहे हैं इनको रोकना चाहिए, इनकी टेपिंग करानी चाहिए। आप स्वयं आके देख लो गऊ घाट पर, आपको यदि नहीं दिख पा रहा है तो आप गऊ घाट पर मथुरा में आके देख लीजिए कितना बड़ा नाला, कितनी गंदगी यमुना जी में सीधे जा रही है। कुछ तो शर्म करो, इस पैसे को खाकर तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। यमुना महानी सब देख रही है, भगवान कृष्ण सब देख रहे हैं। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा सभी प्रकार की 3D 4D अल्ट्रासाउंड लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जाँचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076।